हेलो ऑल द जैम स्टूडेंट्स, कैसे चल रहा है आपका प्रिपरेशन? आप लोगों का एग्जाम 11 फरवरी को है, तो आपको पता ही है कि अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में अराइज हुआ होगा कि ये रिएक्शन कैसा हो रहा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेसिफिकली क्या है कि ये रिएक्शन कैसा हो रहा है, ये कन्वर्जन कैसे हो गया, ठीक है, ये कैसे कैसा कुछ नया चीज देखा हम लोगों ने। देखो इन 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 इस टाइम में ये सब क्वेश्चन आपके मन में आना इज नॉर्मल, ठीक है, इट इज ए नॉर्मल क्वेश्चन, ठीक है। पर ये चीज सोचना कि ये कुछ नया ही चीज है, इसको फिर से पढ़ना पड़ेगा या फिर कुछ और चीज, ये मत सोचो, ठीक है। आपने जो पढ़ा है इसमें से ही क्वेश्चंस आएंगे, हालांकि थोड़ा चेंज कर देते हैं, थोड़ा रिएक्टेंट चेंज कर देते हैं, ये सब चीजें आपके दिमाग में आता रहेगा। तो देखो एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दे रखा है, तो इस क्वेश्चन में हुआ क्या है, देखो हमें लगेगा कि यहाँ पे क्लोरीन क्या कर सकता है कि डायरेक्ट यहाँ पे अटैक किया तो यहाँ पे निकल गया, यहाँ पे क्लोरीन क्या कर सकता है, यहाँ पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन अटैक किया और ये ओटीएस निकल गया, बिकॉज ओटीएस इज अ गुड लिविंग ग्रुप। पर यहाँ पे प्रोडक्ट तो सिक्स मेंबर रिंग बन गया, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या हुआ, सिक्स मेंबर रिंग बन गया, ये कैसे पॉसिबल है? तो ये हमें लग रहा है कि ये तो हमसे होगा ही नहीं। पर अगर आप इसको थोड़ा एनालाइज करेंगे, तो अगर थोड़ा सा भी एनालाइज करेंगे तो देखेंगे कि ये बहुत ही ईजी एक क्वेश्चन है। क्या है यहाँ पे कंसेप्ट, कौन सा लगता है यहाँ पे कंसेप्ट, लगता है SNGP नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट लग जाता है इस क्वेश्चन में, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन रिएक्शन का कंसेप्ट लग जाता है। क्या होता है, देखो ये जो ओटीएस ग्रुप है ये बहुत ही गुड लिविंग ग्रुप है, ये क्या है, बहुत ही गुड लिविंग ग्रुप है, ठीक है। तो अगर गुड लिविंग ग्रुप है ये, तो क्या होता है कि जो इंटरनल रिएक्शन है, अगर इंटरनली वहां पे कोई न्यूक्लियोफाइल अवेलेबल है तो वो पहले अटैक कर लेगा, देन क्या होगा, वो देन क्या होगा, जो एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल है वो वापस आएगा। क्या है कि यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर दिया हुआ है, तो ये लोन पेयर क्या करेगा, पहले यहाँ पे अटैक कर लेगा और ओटीएस ग्रुप निकल जाएगा। क्या होगा, पहले अटैक कर लेगा और ओटीएस ग्रुप निकल जाएगा, कितने मेंबर रिंग बनेगा, देखो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, सिक्स मेंबर्ड रिंग बनेंगे यहाँ पे, और 6 और 3 मेंबर्ड का क्या होगा, फ्यूज रिंग बनेगा। कैसा, देखो सिक्स मेंबर रिंग बना लिया मैंने ऐसे नाइट्रोजन। अब ध्यान से सुनो, ये क्या है, ये हमारा एबव पोजीशन है, ये जो ओटीएस ग्रुप था ये क्या कहा था, एबव वेज पोजीशन पे था, तो ये नाइट्रोजन बेचारा कहां पे आ जाएगा, बिलो पोजीशन पे। ये नाइट्रोजन बेचारा कहां से अटैक कर पाएगा, बिलो पोजीशन से, तो बिलो पोजीशन से अटैक किया, सिक्स मेंबर रिंग बना, यहाँ पे ये बना दिया हम लोगों ने, यहाँ पे हम लोगों ने क्या बना दिया ये। अब देखो ध्यान से क्या है, यहाँ पे एक थ्री मेंबर रिंग भी नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पे क्या है, एक थ्री मेंबर रिंग भी नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, एंड यहाँ पे क्या है, एक ऑक्सीजन भी यहाँ पे इपॉक्साइड जुड़ा हुआ है, एंड यहाँ पे मिथॉक्सी ग्रुप। देखो हर एक जगह पे हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया कहाँ पे क्या है, सब क्लियर है, हर एक जगह पे हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया कहाँ पे क्या है, क्लियर है। पर हमने एक चीज अभी तक नहीं किया, क्या है कि यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी तो आ जाएगा ना, इसने लोन पेयर डोनेट कर दिया, इसने क्या किया, लोन पेयर डोनेट कर दिया, तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, अब क्या है, जैसे ही यहाँ पे एक क्लोरीन माइनस है, ये क्लोरीन माइनस क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, अभी ये क्लोरीन माइनस क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा और ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर आ जाएगा, इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर आ जाएगा। तो यही, अब देखो ये जो कंपाउंड, ये जो नाइट्रोजन के साथ थ्री मेंबर रिंग बना था, ये कहाँ पे बना था, ये कहाँ पे बना था, ये बिलो पोजीशन पे बना था, और अगर बिलो पोजीशन से बना था, ये अगर बिलो पोजीशन पे बना था, तो क्लोरीन कहाँ से अटैक करेगा, अबव पोजीशन पे, क्लोरीन कहाँ पे अटैक करेगा, अबव पोजीशन पे। तो जैसे ही यहाँ से अबव पोजीशन पे अटैक किया, तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन गया, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बन गया, यहाँ पे ये कंपाउंड बन गया। तो इसी वजह से ये कंपाउंड क्या हो गया, हमारा SNGP नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट, ये क्या हो गया, SNGP नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट हो गया। तो ये जो रिएक्शंस होते हैं, ये इन जनरल क्या होते हैं, नॉर्मल जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं, इनसे ज्यादा क्या होता है, फास्टर होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो इंटरनली ये रिएक्शन फास्ट हो रहा है, इंटरनली ये रिएक्शन, इंटरनल रिएक्शन हो रहा है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन हो रहा है, इसी वजह से क्या है कि ये रिएक्शन और भी ज्यादा फास्ट हो रहा है। ओके, सो होपफुली ये वीडियो आपको हेल्प किया होगा, ठीक है। अगर हेल्प किया है तो इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड हमारे IFS ऐप में आप जुड़ सकते हो इस QR कोड को स्कैन करके, ठीक है। होपफुली ये वीडियो आपको हेल्प किया होगा, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।